कासिम, किसे भगाने की बात कर रहे थे तुम? बड़ी अम्मी, वो डॉक्टर बेग बोल रहे थे कि मैं किसी दिन जॉगिंग पे जाऊंगा। मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है। एक बात याद रखना, तुम महज एक मुलाजिम हो। देखना तुम, मैं तुम्हारी नाक के नीचे से निकल के भाग जाऊंगी। तुम मुझे इस तरह पिंजरे में कैद करके नहीं रख सकते। और एक बात सुन लो, मैं तुम नींद से प्यार करती हूँ। मैं भी तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ शेजवान। अच्छा हुआ भाग है। नील अब चलिए यहाँ से, भाग चलते हैं। नील, नील हमारे प्यार को कोई नहीं समझेगा। नील, और नील अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया ना तो वो आपको मार देंगे। नील, चाहत नहीं, चाहत, चाहत, प्लीज नील, चाहत, चाहत, 199। नील आप नादिर का गुस्सा जानते नहीं है। नील, चाहत, नील, चाहत, करो मेरे साथ। 97। चाहत, अपने बाबा की देवी सीख भूल गई तुम? नहीं चाहत, नहीं चाहत, चाहत पीठ दिखाकर बुजदिल भागा करते हैं। हमारे प्यार में बहुत शक्ति है चाहत। मैं अपने प्यार को अंधेरे में चोरी छुपके लेकर नहीं भाग सकता चाहत। ये मेरे संस्कार में नहीं है चाहत। तुम मेरे घर रहे, मेरे घर वालों का दिल जीता, सारी मुश्किलों का सामना किया, अब बारी मेरी है चाहत। नहीं दादी, अम्मी हमारी मोहब्बत को कभी नहीं समझेगी। चाहत कोई कितना भी कठोर क्यों ना हो, चाहत प्यार किसी की भी आत्मा को छू सकता है। चाहत, चाहत प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। तुम मैं कासिम बनकर ना तुम्हारी दादी अम्मी का दिल जीतूंगा। नहीं, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। उसी का तो मजा है ना चाहत। अगर तुम इतनी आसानी से मिल गई ना मुझे, मैं तो बोर हो जाऊंगा। I love you, नील। जीजा जी, नील का पता लगाने के लिए हमें किसी को तो वहां भेजना चाहिए। 2 दिन हो गए उसे गए हुए। अरे पता क्या लगाना है मामा जी, अब तक तो गजल जान से मार चुकी होगी उस गधे को। कोई आवश्यकता नहीं है जमना। जब उस लड़की के परिवार को ऊंचा दर्जा देकर यहां से गया था, उसी क्षण मेरा संबंध उससे समाप्त हो गया था। अरे गोदाम्बरी, फिर से खिचड़ी? अभी सुबह ही तो खाई थी खिचड़ी। अब यही खाने की आदत डालो। दूसरे धर्म की उस छुआरी को बहू बना के रखने के पाप के बाद इस सारे गांव के सब्जी वाले हमें सब्जी बेचने से मना कर रहे हैं। और वो कमला, ए कमला तो गौशाला में चारा डालने नहीं आई। कितने शर्म की बात है कि जिस घर में सदैव धर्म की सेवा की जाती थी
आज उसी घर में गौ माता भूखी है। सौरा जी, सारा गांव हम पर हंस रहा है, क्षमा कीजिएगा, लेकिन अपमान के डर की वजह से आज मैं मंदिर तक नहीं गया। मुझसे ये अपमान और बर्दाश्त नहीं होगा। इस अन्न ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है आलिक? अन्न का अपमान तो मत करो। आपके लिए कहना बहुत ही आसान है सौरा जी, आप ही तो चाहत के गुण गाते थे सारे गांव के सामने। सरस्वती की परछाई है हमारी बुआरी, हमारी बुआरी तो हमारे घर की देवी है, और क्या किया उस देवी ने आपका? कई बार तो हम लोगों से भी ज्यादा आपने चाहत को मान सम्मान दे दिया, और क्या किया चाहत ने, क्या परिणाम दिया चाहत ने? आज सारा गांव आप पर हंस रहा है सौरा जी, और हम सबकी कोई गलती ना होने के बावजूद हमें पेट भर के भोजन तक नहीं मिल रहा है। लेकिन इसे तो मैं पेट भर खाना खिला के लाई हूँ ना, फिर इसका रोना बंद नहीं हो रहा है। तंग आ गई हूँ मैं इसका रोने की आवाज सुन सुन के। नवेली, एक छोटी सी बच्ची नहीं संभाली जा रही तुझसे? आदत नहीं है ना बाबा, मैं तो हमेशा से कृपा का ध्यान रखना चाहती थी, लेकिन फूफा जी ने कभी कृपा को मेरी गोद में दिया ही नहीं, हमेशा से ही उसकी जिम्मेदारी उस चाहत को दी, ये कह के कि वो ज्यादा अच्छी माँ बन सकती है। अब बाबा आप ही सोचिए, अगर वो उस चाहत की गोद में पलती तो दूसरे धर्म के संस्कार से क्या बड़ी होती वो। सारी भूल मेरी है, पाप मुझसे हुआ है, मेरी वजह से आप लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा। अपने इस पाप का प्रायश्चित मैं निर्जला व्रत रख के करूंगा। उस लड़की ने हम दोनों का दिल दुखाया है, इसके लिए हम दोनों से कभी माफ नहीं करेंगे। यानी भगवान का शुक्र बोलने की बजाय अल्हम्दुलिल्लाह, वाह क्या बात है बोलने की बजाय माशाल्लाह, परफेक्ट। और अगर कुछ बुरा दिख जाए तो शिव शिव बोलने की बजाय नौज़ुबिल्लाह, वेरी गुड। तुम कल देखना, मैं ना गजाला को बोल के ही रहूंगा प्यार की दुश्मन गजाला नौज़ुबिल्लाह। नील 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 नील, गजाला नहीं गजाला, गाँव फलक से निकलना चाहिए। गजाला गजाला। अच्छा सुनिए, जैसे हम कुल्ला करने के लिए मुंह में पानी भरते हैं ना, गजाला ऐसे बोलने की कोशिश कीजिए। गजाला। एक और बात, गजाला 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 गजाला। लाहौल विला कुवर, निकाह से पहले गाल पर किस, वाह या अल्लाह बड़ा मजा आया माशाल्लाह, और ये गुस्ताखी तुम रोज करोगी इंशाल्लाह। आप मेरे घर वालों के दिल में जगह बनाने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। चाहत कहाँ कुछ कर रहा हूँ, जो तुमने किया है उसके आगे तो कुछ भी नहीं है ना चाहत। तुम 8 महीने तक एक ब्राह्मण परिवार में बुहारी बनकर रही हो चाहत, जो तुमने किया है वो कोई नहीं कर सकता। और तुम देखना, भोलेनाथ ना तुम्हारी इस तपस्या को ना व्यर्थ नहीं जाने देंगे, सब कुछ बदलेगा और इन लोगों को हमारे प्यार को स्वीकार करना ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। इस घर में तुम्हारी मोहब्बत को कोई नहीं समझेगा नीलकंठ, इससे पहले कि किसी को तुम्हारी सच्चाई का पता चले तुम चाहत को लेकर यहाँ से भाग जाओ। डॉक्टर बेग, अगर मुझे आपकी बेटी को भगा कर लेके जाना होता तो मैं कब का उसको लेकर भाग गया होता। हम दोनों को पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन लोगों की सोच जरूर बदलेगी। हम मिसाल कायम कर देंगे कि प्यार करने वालों को कभी धर्म के डर से भागना ना पड़े। मैं चाहत को तभी लेकर जाऊंगा जब बड़ी अम्मी ना हम दोनों को आशीर्वाद देगी। डॉक्टर बेग, भागने की कोई जरूरत नहीं है। कौन भागने की बात कर रहा है? कासिम, किसे भगाने की बात कर रहे थे तुम? बड़ी अम्मी, वो
डॉक्टर बेग बोल रहे थे कि मैं किसी दिन जॉगिंग पे जाऊंगा। मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरे बाबा एक दिन अपने पैरों पर चलेंगे भी और भागकर भी दिखाएंगे। और मेरे बाबा के फ्यूचर में होगा क्या ये सब डिसाइड करने वाले तुम होते कौन हो? शायद ये इसके गुनाहों का ही नतीजा है जो मेरे बच्चे को अपाहिज होना पड़ा है। मैंने इसे हमेशा समझाया कि दूसरे मजहब के लोग कभी हमें अपना नहीं मानेंगे, लेकिन इसकी तो जिद थी कि यहीं पर देवप्रयाग में रहकर ही ये लोगों की खिदमत करेगा। अब देख लिया ना नतीजा, गैर मजहबी लोग उठाकर ले गए ना हमारी बच्ची को। अब तो बस इसका निकाह रहमत साहब से हो जाए, कम से कम इसके सर से तो बला टले। चलो देख लिया नीला आपने कितने मजबूत ख्यालात है दादी अम्मी के। चाहत चाहत सब ठीक हो जाएगा। हा? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हारी दादी अम्मी को ना देखना, मैं उतू से कैसे इंप्रेस करता हूँ। पक्का? यस यस पक्का पक्का पक्का। से बीमार है राहिल, कितने दिनों से बिस्तर पड़ा है वो। अभी बताती हूँ तुझे, तूने जरूरत नहीं समझी इतला करने की हमें उसकी सेहत के लिए। बड़ी अम्मी नहीं, मैं अरे अरे तूने किसने शादी रचाई थी उससे? बड़ी अम्मी मैं आपको पहले ही फोन करना चाहती थी बड़ी अम्मी, लेकिन तो किया क्यों नहीं? जी वो आपका नंबर गुम गया था। अपनी अम्मी सास का नंबर जुबानी नहीं याद रख सकती थी? ना माकूल कहीं की। अभी बता दूं मैं तुझे। बड़ी अम्मी क्या गजब ढा रही हैं आप अपनी चलने वाली छड़ी से मार रही हैं, छड़ी टूट जाएगी। आप एक काम कीजिए, इससे मारिए, मजबूत चीज है। हाँ 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 ठीक है ठीक है। नहीं 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 प्लीज प्लीज नहीं नहीं। कासिम देखिए बड़ी अम्मी बिना वजू किए जानवाज़ पर जाकर खड़ा हो गया। ये तो नमाज पढ़ने वाला कारपेट है, मैं इस पर आकर कैसे खड़ा हो गया? तमीज नाम की तो चीज नहीं है आजकल के नौजवानों में। निगाहें आसमान में और सर बालों में रहता है इनके। फर्श पर बिछा हुआ ये मुसल्ला कैसे दिखेगा इन्हें? वजू से हो? हाँ। क्या नहीं, यही तरबियत दी है तुम्हारी अम्मी अब्बू ने तुम्हें? गंदे पैरों से जाके मुसल्ले पर खड़े हो गए तुम? अभी बताती हूँ मैं। दादी अम्मी दादी अम्मी दादी अम्मी दादी अम्मी दादी अम्मी अच्छा हुआ जो आपने ने डांटा, मैं तो चाहती हूँ कि इन्हें बहुत डांट पड़े। दादी अम्मी आपको बताएं ये ना बहुत ही बेकार है, साया बनकर मेरी निगरानी करते रहते हैं। दादी अम्मी आपको बताएं मैंने इनसे कहा था कि जाकर जान नमाज पर खड़े हो जाए, मैं तो चाहती यही हूँ कि इन्हें इतनी डांट पड़े कि मेरा दिल ही खुश हो जाए। ये क्या तरीका है चाहत, अपना बदला निकालने के लिए तुम्हें ऐसे बेहुदे तरीके का इस्तेमाल करना पड़ा? अब तो सजा तुम्हें भी मिलकर रहेगी। चाहत बीबी पर हाथ नहीं उठाएंगे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमें रोकने की? दादी मीन है मतलब आ रहे हैं। दादी अम्मी आपको बताएं कासिम ने इसलिए आपको रोका ताकि मेहमानों को
ये नजर ना जाए कि आप घर में हमारी पिटाई करते हैं। बड़ी अम्मी, छड़ी नीचे रख दीजिए। ये तो अच्छा हुआ कि कासिम ने आके आपको ऐन मौके पर रोक लिया, वरना क्या इज्जत रह जाती हमारी मेहमानों के सामने। दादी, वैसे ये यहाँ कर क्या रहे हैं? हमने ही दावत पर बुलाया है रहमत साहब को। हम रहमत साहब के खानदान से जान पहचान करना चाहते थे। अब चलकर सलाम दुआ करोगी या यहीं पर खड़ी रहोगी? जी। नीला, प्लीज अपने गुस्से पर काबू करें। और नीला, आपको याद है ना आपने क्या फैसला लिया है कि आप दादी अम्मी का दिल जीतकर मुझे खुद अपने साथ ले जाएंगे, है ना? सलाम अलैकुम रहमत साहब। वालेकुम सलाम। जी, इनसे मिलिए। ये है चाहत की दादी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे छोड़कर अगर तुमने इस बुड्ढे को चुना ना तो ईगो हर्ट हो जाएगा मेरा, समझी? वो क्या है ना कि थोड़ा पेट निकल आया ना, तो उस वजह से झुक नहीं सकता, और वैसे भी जोड़ों में जो है दर्द रहता है। कासिम, मदद करो रहमत साहब की। मत छोटा करो, किसी के जूते उतारने से मेरा अपमान थोड़ी ना होगा। अपमान तो तब होगा अगर इन छोटी चुनौतियों से डरकर मैं हमारे प्यार के लिए लड़ना छोड़ दूं। शुक्रिया। तशरीफ लाइए। आइए जी। कासिम, रहमत साहब के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। चाहत, चलो। उस काफिर लड़के के बारे में तो सब भूल चुकी होगी। याद करने लायक है ही क्या उस बेहुदा लड़के में? नादान बच्ची है ये, गलती हो गई इससे, लेकिन अब ये अपने पुराने गुनाहों को तौबा कर चुकी है। मुझे यही उम्मीद थी चाहत, इसीलिए मैं, ये देखो मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेके आया। माशाल्लाह, इतना कीमती तोहफा। बहुत किस्मत वाली हो तुम चाहत, जो इतनी फिक्र करने वाले शौहर मिल रहे हैं तुम्हें। आपको एतराज ना हो तो क्या मैं अपने हाथों से इन्हें पहना सकता हूँ? जी। जवानी आ रही है बुड्ढे को, मैं सबक सिखाता हूँ। या अल्लाह! अरे बरखुदा, देख के नहीं चल सकते? कासिम, ये क्या सलीका है? अंधे हो तुम? दादी अम्मी, वो गलती से गिर गया होगा। मुझे तो नहीं लगता। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये लगता है कि कासिम ने जानबूझकर चाय रहमत साहब पर गिराई है। कासिम? हाँ, जानबूझकर गिराई है मैंने चाय। इस गुस्ताखी की वजह? बड़ी अम्मी, आपने मुझे चाहत बीबी की हिफाजत के लिए रखा है। जब मैं चाय लेकर आया तो देखा ये हार पहनाने के बहाने उन्हें पीछे से छू रहे थे। अरे क्या कह रहे? वो सब जो भी हो, रहमत साहब चाहत के होने वाले शौहर हैं और तुम महज एक मुलाजिम।
इस तरह गुस्ताखी करने का ख्याल भी कैसे आया तुम्हारे जहन में? सही तो किया है कासिम ने। रहमत साहब चाहत के होने वाले शौहर हैं, अभी हुए नहीं हैं। हम इस तरह की बेहूदगी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अहमद साहब आप भी कान खोलकर सुन लें, हम अगली बार अगर ये बेहयाई दोबारा से की तो जितनी आपकी उम्र है ना उतने ही डंडे मारने में हम नहीं हिचकिचाएंगे। रहमत साहब आप आइए, मैं आमिर से कहकर आपके कपड़े बदलवा देती हूँ। आइए। कासिम खुदा के नेक बंदे हो तुम, अपनी ये नेक नियत हमेशा बरकरार रखना। रख लो रख लो, घर के बड़ों के नजराने को ना नहीं करते। नील, मेरा प्यार तो आपके लिए दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है।